वेलकम टू माय चैनल। कैसे सभी, आई होप अच्छी हो, ठीक हो के। और अभी फ़िलहाल मैं पहले टाइम भी करती हूँ, टाइम क्या हो रहा है, टाइम 7:45 हो रहे हैं और मैं जाग रही हूँ रात के 3 बजे से। बट मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मनराज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और मनराज के पापा भी जाग रहे थे और अभी दोनों बेटे आराम से सो गए हैं, बट मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लूँ। तो कल की आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कल आपने कोई कमेंट नहीं किया, मैंने दाल की छोटी सी एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, सिंपल दाल बनाई थी मैंने जो कि हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ दोनों बेटा देना कैसे सो रहे हैं। यहाँ पर ये देखो ये दोनों सो रहे हैं और यहाँ पे हमारे कैंडी जी भी आ गए हैं, इनको भी सोना है देखो। और फिलहाल ये दोनों सो चुके हैं, कैसे सो रहे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं है। और मेरी नींद यहाँ पे उड़ा दी है, मम्मी पानी वानी भर के और लेट गई हैं वो भी फिलहाल, और मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। काम वाम अभी अगर करूँगी खड़खड़ कुड़कुड़ होगी तो ये लोग भी उठ जाएंगे, तो डिस्टर्ब करना सही नहीं है। सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाई जाए और चाय पी जाए सुबह सुबह, एक ब्लैक टी हो जाए, माइंड फ्रेश हो जाएगा, बॉडी फ्रेश हो जाएगी। फिर एक दिल कर रहा है चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, रात से जाग रही हूँ फिलहाल में, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह ग्लास भर के ब्लैक टी और बिस्किट है, क्योंकि मैं चाहे ब्लैक टी हो चाहे दूसरी टी हो मैं कभी भी सिंपल नहीं लेती, उसके साथ 1 से 2 बिस्किट जरूर चाहिए होते। तो ये मनराज और पापा ने खाए थे रात में बिस्किट ओरियो वाले, तो 1-2 बज गए तो अब ये मैं खाऊंगी। तो मेरी चाय जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मैंने गिलास में इस तरीके से बार बार उड़ रही थी ये जो पैकेट है, तो मैंने ऐसे रख दिए। तो गाइज़ मैं 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि एक्चुअल में मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मैं वीडियो डालने वाली सॉरी मैं आगे बताने वाली थी, बट पूरे दिन का मनराज के साथ खेल कूद ये वो उनके चक्कर में मैं भूल गई। तो अभी मैंने सोचा चलो अभी फ्री हूँ, मनराज भी सो रहा है और मुझे नींद भी नहीं आ रही है, तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। एक्चुअली ना फ़ैन चल रहा है तो मेरे को बहुत लाउड बात करनी पड़ती है और मनराज हो रहा है तो मैं थोड़ा सा भी तेज़ बोलूँगी तो वो उठ जाएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस एक्चुअली जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुझे स्किन एलर्जी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो अभी कुछ टाइम पहले पूरी सर्दी जो है मैंने इस चीज़ को बहुत फेस किया है, मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में थी उस टाइम पे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो मैं इन सब चीज़ों से अभी उभरी ही थी कि अचानक से क्या हुआ है कि मेरे कान में दर्द स्टार्ट हो गया। ये कान में दर्द शायद पिछली बार भी था, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था एक बार, पिछले साल की बात है। तो इस बार भी उसी तरीके से कान में पेन हुआ, थोड़ा सा कान जैसे बंद हो जाता है ज़ुकाम वगैरह में, तो वैसे हुआ। बट इसको अब बंद हुए मेरे ख्याल से 2 महीने हो चुके हैं और मेरे को इतनी सारी दवाई खानी पड़ रही है, मैं इसे आपको इतनी सारी ये दवाई है जो कि मैंने खा के ख़त्म करती है। और यहाँ पर ये दवाई अभी चल रही है मेरी, आप तो लोगों ने देखा कि कितनी सारी दवाई है जो मैं खाती हूँ और खा चुकी हूँ। तो कान का दर्द नहीं है लेकिन बंद है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा, एक ही कान से सुनाई दे रहा है, एक से नहीं सुनाई दे रहा। और कभी कभी तो ऐसा दर्द सा होने लग जाता है अंदर ही अंदर, दवाई डाल रही हूँ, इस डॉक्टर को दिखा उस डॉक्टर को दिखा। इस बीच में अब ये लॉकडाउन हो गया तो डॉक्टर जो है वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं कि हम जितना हो सके पेशेंट से दूर रहें। तो भाई मैं तो परेशान हो गई हूँ, सच बता रही हूँ, जो भी है यही दवाई है।
तो बस समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं जबकि खाने पीने में, उठने बैठने में, आने जाने में बहुत ही ज़्यादा ऐसी हूँ कि नहीं, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे करना, अपने अपने लिए मैं हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, पर उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हो जाता है। कभी एलर्जी हो जाती है, कभी कान में कुछ हो जाता है, कभी मेरी तबीयत वैसे ख़राब हो जाती है, लेकिन क्यों होता है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा यार। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करना कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं कभी किसी परेशानी में होती हूँ, कभी किसी परेशानी में होती हूँ, पता नहीं क्या चलता है, लाइफ का कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गाइस, इस लॉकडाउन के दौरान जो है मनराज के पापा काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि देखिए कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, लेकिन अगर बूंद बूंद करके निकाला जाए तो वो सागर भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस आप समझ सकते हो, मैंने हिंट दिया है आपको। तो अब इस लॉकडाउन को कह रहे हैं और आगे बढ़ाया जाएगा, तो अगर बढ़ाया जाएगा तो हमारे मिडिल क्लास जैसे जो लोग हैं वो क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस कोरोना ने तो हमारा रोना निकाल दिया सही में। हमारे जैसे बहुत से मिडिल क्लास फैमिली ऐसी हैं जो भी सोच रही होंगी कि क्या करें क्या करें, क्या किया जाए आगे, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है कि बहुत ही ज़्यादा। खैर लाइफ है, जो कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है, उसको फेस तो करना ही पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं फिलहाल। तो चलिए थोड़ा सा मुझको आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना था, काफ़ी दिनों से नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेती हूँ। तो बस ये डिस्कस कर लिया, बिल्कुल तसल्ली हो गई। तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ अभी क्या करती हूँ, नींद तो आ नहीं रही है। मम्मी ने बर्तन वर्तन भी सारे धो दिए, अभी एक दो बर्तन यहाँ रह गए थे वो भी मैं धोकर आ गई हूँ। चलो देखते हैं क्या करते हैं। मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है, और टाइम आप देखो 9:15, नींद ही नहीं आ रही, क्या करूँ। अब जब मैं सोऊंगी तो सीधा शाम को उठूंगी, सोचो मैं आज का पूरा व्लॉग ही नहीं बना पाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा व्लॉग के लिए, है ना। चलो करेंगे कुछ। तो मम्मी यहाँ पर चाय लेकर आई हैं, ये मेरी सेकंड चाय है। तो मैं और मम्मी यहाँ पे जो है चाय पी रहे हैं, और मैं साथ में थोड़ी सी चिप्स खा रही थी। मैं खाली, जैसे मैंने आपको बताया था मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो इसलिए चिप्स खा रही थी। और न्यूज़ देख रहे थे मैं और मम्मी यहाँ पे बैठ के, मनराज और पापा भी उठे नहीं थे। मनराज और पापा उठ गए थे, तो अब इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी मैं। तो पापा ने चाय नहीं पी थी, तो उनके लिए अभी तीसरी बार चाय बन रही है हमारे घर में। हमारे घर में कभी कभी ऐसा ही होता है कि ना दिन में तीन तीन चार चार बार चाय बन जाती है। और यहाँ पे मनराज और पापा के लिए मैं ब्रेड सेक रही हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा सा बेसन लगा के मनराज और पापा को दोनों को ब्रेकफास्ट करवा दूँगी फ़िलहाल में। और इसके बाद में अब देखेंगे लंच में क्या करते हैं, कुछ खास अभी प्रोग्राम नहीं है, फ़िलहाल ब्रेकफास्ट का ही था। तो ब्रेकफास्ट अभी इन दोनों को करवाना है, उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे मनराज के पापा अभी फ़िलहाल ब्रेड खा रहे हैं और चाय एंजॉय कर रहे हैं। गाइस हम लोग लंच करके फ्री हो चुके हैं फ़िलहाल, तो मैंने सोचा चलो दो चार बातें कर ली जाए। आज की वीडियो में सिर्फ बातें कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल में। तो मैंने कहा चलो जो एक दो बातें रह गई हैं वो भी आज मैं क्लियर कर लूँ। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस ऐसे आ रहे हैं कि आजकल अगर हम लोग पार्लर नहीं जा पा रहे हैं तो हम ऐसा करें वैसा करें ये करें वो करें। तो मैं कई चीज़ों को मैंने सर्च किया और देखा कि ये हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से भी ये डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है और सही लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो गाइस मैं बात कर रही हूँ अपर लिप के बारे में। आजकल अपर लिप के बारे में बहुत चीज़ें बताई जा रही हैं,
कि अगर अपर लिप आपको बनाना है तो उसमें आप तीन चार चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो क्या कुछ कर सकते हो, सबसे पहला पार्लर जाके थ्रेड से करवा लीजिए, ठीक है। सेकंड आप हेयर रिमूवर क्रीम यूज़ कर लीजिए। थर्ड पॉइंट जो है वैक्स स्ट्रिप्स आती हैं उससे कीजिए या घर में वैक्स से कीजिए। फोर्थ आती है कि आप जो हेयर इरेजर, जो इरेजर होता है उससे। तो जैसे कि मैं आपको बताई थी कि चार चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब इन चारों चीज़ों से ही बोल रहे हैं अपर लिप कर सकते हो, थ्रेड से, वैक्स से, और अगर होम मेड वैक्स बनाई है तो उससे, और वैक्स स्ट्रिप्स से, और जो है इरेजर से, ठीक है। तो इरेजर से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। तो गाइज आप मुझे ये बताइए कि इनमें से सबसे ज़्यादा सेफ़ कौन सा तरीका। आई थिंक शायद पार्लर जाके जो हम थ्रेड से करवाते हैं वो, और जो बाकी के तीन से चार चीज़ें क्या वो हमारे अपर लिप के लिए सेफ़ हैं, सोचो और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि सेफ़ हैं या नहीं है। बट जो मेरी सोच कहती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो शायद 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 कहीं ना कहीं पर ये सब चीज़ें सेफ़ नहीं हैं। वैक्स, सबसे पहले वैक्स की मैं बात करती हूँ। वैक्स हमारे अपर लिप के लिए आई थिंक बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यार हम जब बाजू पे करते हैं हमें इतनी पेन होती है, हम अपनी लेग्स पे करते हैं तो हम इतनी पेन होती है, तो यार ये कितना सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ पे हम वैक्स से सोचते हैं कि हम इसे वैक्स से कर लें, तो ये चीज़ पे कितना पेन होता होगा और कितना हम एक अपने ऊपर ही, खुद के ऊपर ही अत्याचार करते हैं एक तरीके से। तो शायद ये वैक्स जो है ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोगों का मैं नहीं कह सकती कि ये सेफ़ है या नहीं है, ठीक है। सेकंड जो है वैक्स वाली स्ट्रिप्स जो आती हैं उसके लिए अगर आप उससे भी सोचते हो, एक होती कोल्ड वैक्स जिसको हम सिर्फ ऐसे लगा के, और वो बीन्स वैक्स जो वो बोला जाता है उससे किया जाता है, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं अनसेफ है। और जो वैक्स वाली स्ट्रिप्स है उससे तो और भी ज़्यादा ज़्यादा डेंजर्स है कि भाई इस तरीके से करते हो तो यहाँ से सारी स्किन जो है वो, और सीधा फेस होता है, ये भी नहीं कि कहीं चलो कान के पास है, इधर है, कहीं छुपा लेंगे, सीधा मुंह जिसे हमने बात करनी है सबसे पहले जो है होंठों पे और चेहरे पे नज़र जाती है तो हम उसका सत्यानाश कर देंगे। सेकंड बात आती है, अगर मैं हेयर रिमूवर क्रीम की मैं बात करती हूँ तो हेयर रिमूवर क्रीम जो है वो भी सही नहीं है। क्योंकि यार अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप जो है फेविकॉल से आप पेस्ट कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए, मंजन कर लीजिए, तो आप करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो यार किसी और काम के लिए बना है। तो इसी तरीके से जो हेयर रिमूवर क्रीम है वो किसी और पर्पस से बनी है, मैं उसे फेस पे कैसे अप्लाई कर लूँ? क्योंकि फेस बहुत ही सेंसिटिव होता है, हम इस पे कुछ भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। तो जो हेयर रिमूवर क्रीम है उसको हम हाथ वगैरह पे और अपने अंडर आर्म्स पे और लेग्स पे कर सकते हैं, वो बेस्ट है। बट अगर फेस पे करते हैं तो उस पे रैशेस हो सकते हैं, अगर सूट नहीं करती है तो ये चीज़ सोचो उस पे क्या कुछ हो सकता है, छोटे छोटे दाने टाइप, एलर्जी टाइप हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, ब्लड निकल सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। और हम जो फोर्थ मैं आपको बता रही थी, फोर्थ है रेजर से हम जेंट्स की तरह, हाँ चलो 1% के लिए ये थोड़ा सा सेफ़ है कि चलो कर सकते हैं हल्का फुल्का, चलो अगर हम यहाँ बाजू से कर सकते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। और बस इसका यही एक जो है नुकसान है कि जब नेक्स्ट टाइम बाल आएंगे तो वो थोड़े से हार्ड आएंगे पहले के मुकाबले। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप थ्रेड से करवा लीजिए या फिर जो आजकल बहुत आती हैं, जो भी कह सकते हो ट्रिमिंग के लिए आती हैं जो भी है, तो आप उससे भी कर सकते हो, वो बेस्ट रहती हैं। बट अगर आप एयर रिमूवर क्रीम या फिर वैक्स से करते हो या फिर आजकल बहुत सारे नुस्खे बता रहे हैं कि फेविकॉल में ये मिला लो, वो मिला लो, ऐसे कर लो, तो वो सब चीज़ें सेफ़ नहीं है। प्लीज़ 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 प्लीज, ऐसे कुछ भी अपने फेस के ऊपर कुछ भी ऐसा अप्लाई मत कीजिए जिससे आपको नुकसान हो। जो चीज़ है वो केयरफुली कीजिए ताकि
आप भी सेफ रहें, आपका चेहरा भी सेफ रहे, और देखने वाले को भी लगे कि हाँ जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बेवकूफ़ियाँ नहीं कर रहे, और यूट्यूब भी बदनाम नहीं होगा कि यूट्यूब पे कोई भी उठ के कुछ भी बना देता है और हम सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो आई थिंक आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल आऊँगी नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बाय।